तब भी समझ में नहीं आता तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आपको डीप नॉलेज ही पढ़ना है। इसके 90% अच्छा चांस है कि आप, हाँ, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव में आपके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो थोड़ा उसमें, अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिख देंगे तो पास हो जाएंगे, तो इसके यहाँ पर वो सिस्टम नहीं रहेगा। इसमें सही तो सही, गलत तो गलत, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर का टाइम जो है थोड़ा कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से शायद 1.5 आवर का रहेगा, 1 आवर या 1.5 आवर इसी तरह का रहेगा वो। तो अब ये थोड़ा वो हो जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम कंज्यूमर मेटेरियलिज्म टू कंपल्सिव कंजम्पशन। आप, मेटेरियलिज्म क्या होता है? मेटेरियलिज्म होता है भौतिकवादी। भौतिकवादी का मतलब कि जो आप जो यहाँ पर जितनी भी चीजें देखते सुनते हैं और उसका यूज करते हैं, जो आप यहाँ पर जितनी भी चीजें देखते या सुनते हैं और जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें आपकी आती हैं आप मेटेरियलिज्म में। और एक होता है कंपल्सिव। कंपल्सिव का मतलब होता है जरूरी, जरूरी कंजम्पशन और मेटेरियलिज्म कंजम्पशन, मतलब कि भौतिकवादी कंजम्पशन। तो जो भौतिकवादी कंजम्पशन होता है उसमें क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन इज कंसिडर्ड मेटेरियलिस्टिक, भौतिकतावादी। अब यहाँ पर भौतिकतावादी से क्या मतलब है, आप जो ज्यादा दिखावेबाजी में रहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, ठीक, आपको भूख लगी, आपको भूख लगी, आप पर जो सिंपल दाल रोटी चावल है उससे आपकी नीड सेटिस्फाइड हो सकती है, आप उसकी नीड खा सकते हैं, दैट इज योर कंपल्सिव कंजप्शन। लेकिन आप उस भूख को शांत करने के लिए आप लोगों को देख रेस्टोरेंट में गए कि देखिए मेरे पास कितना पैसा है, मैं ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप वहां पर गए, 5 स्टार होटल में गए, खा आप वही चीज रहे हैं, लेकिन उसको दिखाने के लिए आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं। तो दिस इज योर मेटेरियलिज्म, ये एक भौतिकतावादी है, मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिस्टिक। अब जैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कंपल्सिव मतलब कि जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे जब अलग करते हैं तो वो आपका हो जाता है मेटेरियलिज्म। ठीक, तो द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन इज कंसिडर्ड कंसिडर्ड मेटेरियलिस्टिक। और एक एग्जाम्पल और समझिए इस तरह से, आपके पास जब पैसा होता है तो आप सस्ती चीजें नहीं खरीदते हैं, कारण जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है उससे भी, लेकिन फिर भी आप ये दिखाने के लिए कि आपके पास वो चीज है, आप फिर शॉपिंग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। जैसे जब आप किसी के साथ जाते हैं, आपके पास जेब में पैसा नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड ने पार्टी के लिए कहा, तो फिर आप उधार लेकर के करते हैं, ये मेटलिज्म है, भौतिकतावादी। आप जो दिखावे में रहते हैं वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो पर्सनालिटी होती है वो दो तरह से इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर जो पर्सनालिटी है उसका कंजम्पशन पर दो तरह से इम्पैक्ट पड़ा। क्या, जब कंपनी होती है तो इस चीज का एनालिसिस कैसे करती है, जब पार्टी वगैरह, मतलब कि जैसे आप, हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों की, तो जो आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कंपनी इसका एनालिसिस करती है। जैसे मॉल वगैरह में गए या दुकान में गए तो शॉपिंग करते हैं, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि दुकानदार होता है तो आदमी को देख करके ही पहचान जाता है कि इसको मुझे किस तरह का सामान दिखाना है, वो एनालिसिस के बेस पर होता है, ठीक है ना। अब पता चला आप दुकान में गए, ठीक, और आपने कहा कि मुझे सूट चाहिए, तो उसने जो है 400 से 500 से स्टार्टिंग की, इसके बाद आपने कहा नहीं थोड़ा सा और महंगा दिखाओ, तो वो फिर वो जान जाता है कि इसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। द कंज्यूमर इज मेटेरियलिस्टिक, यहाँ पर कंज्यूमर मेटेरियलिस्टिक है, तो फिर आपको फिर वो अच्छे और महंगे सूट दिखाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर दो चीजें और होती हैं, अगर आप मेटेरियलिस्टिक हैं तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना है, पता चला उसने नाइक का लोकल वाला सूट दे दिया, लोकल वाला सूट दे दिया और बहुत आप खुश हो गए, ठीक है ना।
ये कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है। जो सेल्स पर्सन होता है, जो सेल्समैन होता है, वो आपको देख लेता है। आप अगर देखें तो इस समय इस चीज का बहुत ज्यादा बिजनेस चलता है कि आप किसी शोरूम या मॉल में जाएं, तो जो ब्रांडेड मॉल में अगर ये शॉप में जाते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि जो ब्रांडेड सामान आप लेके आ रहे हैं वो वही हो, ठीक है ना। ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। जो मेटेरियलिस्टिक का मतलब होता है कि जो दिखावा करने वाला होता है, तो वो उसकी शॉपिंग अलग तरीके से होती है, और जो कंपल्सिव होती है, कंपल्सिव मतलब कि जो जरूरी होता है, वो अलग तरीके से होता है। आपको भूख लगी है, आप दाल चावल सिंपल एक छोटे से ढाबे में, एक छोटी सी कहीं भी जगह खा सकते हैं। लेकिन अगर योर पर्सनैलिटी इज मेटेरियलिस्टिक, आप मेटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी हैं, तो आप फिर कहाँ जाएंगे? होटल में, 5 स्टार होटल में। तो ये कंज्यूमर की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। ठीक। नाउ फिक्सेटेड कंजम्पशन बिहेवियर, फिक्सेटेड कंजम्पशन बिहेवियर, कंज्यूमर फिक्सेटेड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो फिक्सेटेड होता है उसमें क्या होता है, वो कुछ डेफिनेट प्रोडक्ट ही लेता है, वो कुछ डेफिनेट कैटेगरी के प्रोडक्ट लेता है। जैसे आप दुकान में गए, ठीक है ना, दुकान में जाने के बाद आपने कहा कि आपको मतलब टाइटन ब्रांड का कुछ चाहिए, टाइटन की आपको वॉच चाहिए। नाउ यू वॉन्ट टाइटन वॉच। लेकिन अब दुकानदार ने कहा कि सर मेरे पास टाइटन वॉच का नहीं है, और मेरे पास और उससे भी अच्छी बढ़िया वॉच है, उससे भी अच्छी वॉच है। तो कहें आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे केवल टाइटन की वॉच ही चाहिए। यू आर फिक्स्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट, आप केवल कुछ ही प्रोडक्ट चाहते हैं, जिसमें से एक आपका टाइटन है। आप अपनी जो लिस्ट लिए, जो आप चाहते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं लेते। आप अपने जो डिसाइड किए हुए हैं उसी हिसाब से परचेजिंग करते हैं। तो वेन जो आपकी पर्सनालिटी होगी, वेन योर बिहेवियर इज फिक्सेटेड, सो यू विल परचेज लाइक ए कंज्यूमर फिक्सेटेड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। जब टाइटन वॉच के लिए जाएंगे, अब वो कहेगा कि सर मेरे पास टाइटन कंपनी का नहीं है, मेरे पास HMT कंपनी का है, मेरे पास सोनाटा कंपनी का है। तो यू विल से दैट नो, आप मुझे केवल टाइटन में ही दिखाइए। जब आप कभी कभी आप देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप पहले से डिसाइड किए होते हैं कि आपको ये ब्रांड चाहिए, तो कहेगा नहीं हमारे पास, जो आप शॉपकीपर या आप वहां पर जाते हैं, तो वो कहता है कि सर मेरे पास अच्छे इससे बेहतर ब्रांड है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो कहते हैं नहीं, तुम हमें मत बताओ, हमें केवल जो हम बता रहे हैं केवल वही ब्रांड दो। तो जो इस तरह के कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं वो कहलाते हैं फिक्सेटेड कंज्यूमर्स। ठीक। नाउ कंपल्सिव कंज्यूमर बिहेवियर, एडिक्टेड और आउट ऑफ कंट्रोल कंज्यूमर, जो इस तरह के आदी होते हैं, जिसके जो आदी होते हैं वो कहलाते हैं कंपल्सिव कंज्यूमर बिहेवियर, जिनका जिसकी आदत पड़ जाती है। अब यहाँ पर आदत, बहुत से ऐसी चीजें प्रोडक्ट होती है, जैसे आप सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं या शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सोप या शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो आप केवल वही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए लिरिल सोप इस्तेमाल करता है, मान लीजिए कोई लिरिल सोप इस्तेमाल करता है और वो इसका एडिक्टेड है, मतलब आदी, तो उसको अगर आप कोई दूसरी चीज दें तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जैसे क्या बोलते हैं, जो दारू पीने वाले होते हैं ना, जो विस्की या शराब का नशा करते हैं, जो भी नशे का काम करते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं जो लोग, तो अगर उनको वो चीज ना मिले तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे कुछ जो पर्सन होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स के, अगर उनको उस समय वो ड्रग ना मिले तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कंज्यूमर्स में भी होता है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट के एडिक्टिव हैं, तो उसके अलावा उनको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, मतलब कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाहर वो नहीं जाते हैं। नाउ तो दीज आर द सम मेटेरियलिज्म टू कंपल्सिव बिहेवियर, मतलब कि जो भौतिकतावादी है, जो जरूरी चीजें हैं वो देखना, उसके हिसाब से शॉपिंग करना, और जो भौतिकतावादी है उसके हिसाब से शॉपिंग करना। तो दिस इज कॉल्ड योर कंज्यूमर मेटेरियलिज्म टू कंपल्सिव कंजम्पशन। ठीक।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई हैव मनी आई कैन नॉट हेल्प बट स्पेंड पार्ट ऑफ द फुल ऑफ इट। जैसे जो मेरे पास जो ये कंपल्सिव बिहेवियर है उसे कुछ मेजरमेंट बता रहे हैं। जैसे व्हेन आई हैव मनी, एक सेकंड, हेलो, हाँ नमस्ते महोदय, हाँ, ठीक। और एक चीज पता कर सकते हैं कि वायवा कौन ले रहा है? चलिए ठीक है, ओम प्रकाश मौर्या, ठीक, चलिए मैं बात कर लेता हूँ, ठीक। तो सम मेजर ऑफ कंपल्सिव बाइंग बिहेवियर, पहला, व्हेन आई हैव मनी, जब मेरे पास मनी होती है, आई कैन नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता, बट स्पेंड पार्ट और होल ऑफ इट, लेकिन उसका कुछ हिस्सा या पूरा उसको खर्च कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए, ये एक कंपल्सिव बिहेवियर, मतलब ये उसकी आदत में शुमार है क्या, कि वो मदद तो नहीं कर सकता है लेकिन उसका क्या पूरा खर्च कर दे या तो कुछ भी ना खर्च करे, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ये कंपल्सिव बिहेवियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एम ऑफन इम्पल्सिव इन माई बाइंग बिहेवियर, मैं प्राय अपने बाइंग बिहेवियर में इम्पल्सिव रहता हूँ, मैं प्राय अपने बाइंग बिहेवियर में इम्पल्सिव रहता हूँ, ठीक। इम्पल्सिव का मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, उसकी इच्छा रहना, कुछ इच्छा से या कुछ करते रहना, ठीक। मैं प्रायः कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ अपने बाइंग बिहेवियर में, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, जिसमें कुछ ना कुछ इच्छा बनी ही रहती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ ना कुछ हमेशा खाते ही रह रहे हैं, अभी आपने उन्होंने एक ये खाया, फिर उसके बाद ये खाया, ऐसे ये खाया, तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहते हैं, उनकी आदत में शुमार है, कुछ ना कुछ लाएंगे, आज ये लेके आए कल वो लेके आए। सो दीज टाइप ऑफ कस्टमर्स आर कॉल्ड इम्पल्सिव इन बाइंग बिहेवियर। नाउ एज सून एज आई एंटर ए शॉपिंग एंड सेंटर, आई हैव एन ए इररेस्टिबल अर्ज टू गो इन टू ए शॉप टू बाई समथिंग। जैसे ही मैं किसी दुकान में जाता हूँ, जैसे ही मैं किसी दुकान में जाता हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ इच्छा होती है खरीदने की। जैसे मैं किसी दुकान में जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ खरीदने की इच्छा होती है, ठीक। तो अब ये क्या है कि जब अच्छा जाता है, ये गैर जिम्मेदारी का काम है, एक ये गैर जिम्मेदारी का काम है, हालांकि गए और कुछ भी खरीद लिया, जैसे अंदर घुसे गए और कुछ भी ले लिया गैर जिम्मेदाराना तरीके से। जो भी अपना जब हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे आपके घर वालों ने कहा कि आपको ये चीज खरीद के लानी है, आपको ये चीज खरीद के लानी है, आप गए एक कहने की बलह डालनी है, आपके घर वालों ने आपको भेजा कि आ जाओ जा करके 1 किलो आलू ले आओ, अब जब आलू लेने गए आप, तो क्या हुआ कि आप जैसे भी मिले वैसे लेकर के चले आए। सो दिस इज कॉल्ड इररेस्टिबल अर्ज, दिस इज इररेस्टिबल अर्ज टू गो इनटू अ शॉप टू बाय समथिंग। कुछ भी खरीदने के लिए आप कुछ भी खरीद के ले आते हैं, जैसे ही आप मार्केट में घुसे तो आपने ना तो रेट पता किया ना कुछ भी पता, जो पहली दुकान मिली वहीं से आप उठा करके चले आए। तो दिस इज इररेस्टिबल अर्ज टू बाइंग। तो कुछ इस तरह के भी कस्टमर होते हैं, उनकी पर्सनालिटी होती है। नाउ आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु ऑफन रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट मेल ऑफर्स। अब मैं वो एक कस्टमर, कुछ कस्टमर्स इस तरह के होते हैं, अगर उनके पास कोई भी डायरेक्ट ऑफर आता है, उनके पास कोई भी डायरेक्ट ऑफर आता है, तो वो इसको रिस्पॉन्स करते हैं, वो उसको रिस्पॉन्स जरूर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि आपके पास अगर कभी भी इस तरह के ऑफर या मेल वगैरह में आते हैं तो आप हमेशा उनको रिस्पॉन्ड मत कीजिए। रिस्पॉन्ड करने का मतलब यह है कि आप
उसमें कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब मत दीजिए, क्योंकि अब जो है फ्रॉड बहुत चल रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। नाउ आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु ऑफन रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट मेल ऑफर्स। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा ऑफर आता है, जैसे मान लीजिए कि हाँ, अगर आपको पता है कि ही इज वेल नोन कंपनी एंड द वेबसाइट एंड द लिंक दैट इज गिवन इन योर ऑफ मेल ऑफर, सो दैट इज करेक्ट, देन यू कैन रिस्पॉन्ड। अगर आपको पता है कि ये एक रिनोन्ड कंपनी है और ये सब जो दिया हुआ है ये सब सही है, तब उसको आप भले ही रिस्पॉन्स कर दें। लेकिन अगर आप कभी ऐसे जगह कोई ऐसी मेल आती है जिसको आप पहचानते नहीं, रिकॉग्नाइज कर नहीं करते हैं, तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, ठीक। नाउ तो कुछ कस्टमर इस तरह के भी होते हैं कि अगर उनके पास कोई ऑफर आता है तो उसको, जैसे उन्होंने कहा कि आप जो है इतना ये कीजिए तो हम आपको ये ऑफर देते हैं, तो वो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो आई हैव ऑफन बॉट ए प्रोडक्ट दैट आई डिड नॉट नीड व्हाइल नोविंग आई हैड वेरी लिटिल मनी। अब कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं कि मैं लगभग लगभग वो हर सामान खरीद लेता हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं जनरली कभी कभी वो सामान भी खरीद लेता हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, अगर मेरे पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता था। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत भी पैसा हुआ और मुझे जा रहा हूँ, तो मैं कभी कभी वो सामान भी खरीद लेता हूँ जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। तो जो इस तरह के बिहेवियर होते हैं वो कहलाते हैं कंपल्सिव बिहेवियर। ये कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिल जाते हैं। ये कस्टमर वो हैं। जितने भी मैंने ये चीज बताई है, से आप देखिएगा आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपकी सोसाइटी में इस तरह के कई लोग मिल जाते हैं जो आपको इस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं या उनका बिहेवियर इस तरह का होता है। अब मैं यहाँ पर ये बात नहीं करता कि वो केवल शॉपिंग में ही हो, हियर दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दिस विल बी एप्लीकेबल इन द शॉपिंग ऑल्सो। एक्चुअली वी आर स्टडिंग पर्सनालिटी टेस्ट। ये पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि उनकी पर्सनालिटी इस तरह की हो सकती है कि वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं। जैसे अगर उनके पास कभी बहुत थोड़ी बहुत भी मनी हुई, पैसा हुआ और उनको कोई सामान जरूरत नहीं है, तब भी वो लोग खरीद लेते हैं। इस तरह के लोग भी आपके पास होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड कंपल्सिव बिहेवियर ऑफ कस्टमर। नाउ कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोटल्स एंड कंज्यूमर फील इट इज रॉन्ग टू परचेज फॉरन मेड प्रोडक्ट। फॉरन मेड प्रोडक्ट मतलब कि प्रजाति केंद्रता होती है। प्रजाति केंद्रता मतलब कि किसी एक ही तरफ केंद्रित। अब जैसे हमारे पास इस समय जो अभी ये पैंडेमिक चला था, तो इसमें क्या था कि हम बाहर जो फॉरन की चीज, चाइना वगैरह की चीज है, वो चीज नहीं खरीदेंगे। चाइना वगैरह की चीज नहीं खरीदेंगे, हम लोग केवल अपने देश की चीज खरीदेंगे। तो एथनोसेंट्रिज्म कंज्यूमर फील इट इज रॉन्ग टू परचेज फॉरेन मेड प्रोडक्ट। जो एथनोसेंट्रिज्म कंज्यूमर्स होते हैं, तो उनको लगता है कि उनको जो विदेशी माल है वो नहीं खरीदना चाहिए। जो विदेशी माल है वो नहीं खरीदना, जो फॉरेन प्रोडक्ट है वो नहीं खरीदना चाहिए। दे हैव टू परचेज ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ऐसे होते हैं जो मेड इन इंडिया, ठीक है ना। अगर अभी आप देखें तो जब पिछली बार ये जब शुरुआत में पैंडेमिक आया था, या पिछले साल कुछ जो दीपावली वगैरह था, तो क्या था, लोग बहिष्कार करते हैं क्या कि हम चाइना से बनी चीजें सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म होता है, तो वो फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स को डिनाई करता है और वो ये कहता है कि हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं सो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। नाउ दे कैन बी टारगेटेड बाय स्ट्रेसिंग नेशनलिस्टिक थीम्स। अब अगर आपके पास ऐसे कस्टमर हैं, आपके पास ऐसे कस्टमर हैं जो एथनोसेंट्रिज्म हैं, तो आप क्या करेंगे? जब उनके लिए एडवर्टीजमेंट डिजाइन करेंगे या फिर आप उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे, आप मेड इन इंडिया और उसमें थोड़ा देशभक्ति या राष्ट्रवादिता का इस तरह का जब आप डिजाइन करते हैं, तो वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं इस तरह के कस्टमर्स को। ये किस तरह की पर्सनालिटी है? ये आपकी एथनोसेंट्रिज्म पर्सनालिटी है। जब आप खरीदते हैं ना, तो आपका तो पता नहीं कैसा क्या सिस्टम आप परचेज करते हैं, लेकिन आपके सोसाइटी, समाज में, आपके फ्रेंड्स में ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह की चीजें करते हैं।
वो कहते हैं कि हम फॉरेन प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जैसे अभी मैं कल ही एक पर्सन से मिला, उसने कहा कि मैं कभी भी फॉरेन के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करता, मैं कभी भी फॉरेन के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता। अब वो बोला था, पता नहीं करता है या नहीं करता, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ही सेड दैट ही इज नेवर यूज द फॉरेन मेड प्रोडक्ट। तो इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म कस्टमर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांड पर्सनालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रांड पर्सनालिटी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ब्रांड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी लाइक ट्रेट एसोसिएटेड विद ब्रांड, जो ऐसी पर्सनालिटी जो ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नाइक एंड एथलीट, जो नाइक के प्रोडक्ट आते हैं वो मोस्टली एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही बने होते हैं। नाइक के प्रोडक्ट हैं तो उसको मोस्टली जो स्पोर्ट पर्सन या एथलीट वगैरह होते हैं वो मोस्टली खरीदते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांड है, हम ये मान के चलते हैं अगर कि हमको रनिंग के लिए या स्पोर्ट्स के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम नाइक का प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि उसकी इमेज इस तरह की बनी है कि वो ब्रांड उससे रिलेटेड है। वो सेकेंड एग्जाम्पल, बीएमडब्ल्यू इज परफॉर्मेंस ड्राइवन, जो बीएमडब्ल्यू कार है वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो जब आप बीएमडब्ल्यू लेने जाएंगे तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसका मेन कारण है। तो बीएमडब्ल्यू का ब्रांड है वो ये कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, इसी वजह से बीएमडब्ल्यू कार लोग खरीदते हैं। ठीक है ना, लेवाइस 501 जीन्स आर डिपेंडेबल एंड रस्ट, जो लेवाइस 501 जीन्स है वो डिपेंडेबल एंड रस्ट है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे वो हैं एग्जाम्पल हैं जो ब्रांड पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं। ब्रांड पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं मतलब कि कुछ ब्रांड ऑलरेडी ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे नाइक हो गया, एडिडास हो गया, ये चीजें हो गई। अब जो एप्पल आईफोन है वो आपका अलग ही, उसका एक ब्रांड इमेज है, उसकी एक ब्रांड इमेज है वो, कि वो कौन किस तरह के लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने अभी एक दिन एग्जांपल बताया था फैल्कन आई सिक्स का, तो उसका यही है कि वो उसको केवल अमीर लोग ही खरीदेंगे, उसको केवल अमीर लोग ही खरीदेंगे, बिलियनियर लोग ही खरीदेंगे। तो जब वो डिजाइन होता है तो केवल वो उन्हीं के लिए डिजाइन होता है। ठीक है ना, तो ये ब्रांड पर्सनालिटी है कि पर्टिकुलर लोगों से एसोसिएटेड, पर्टिकुलर लोगों से एसोसिएटेड होता है वो। नाउ ब्रांड पर्सनालिटी विच इज स्ट्रॉन्ग एंड फेवरेबल विल स्ट्रेंथन ए ब्रांड बट नॉट नेसेसरी डिमांड ए प्राइस प्रीमियम। जरूरी नहीं है कि वो प्राइस प्रीमियम में हो, नेसेसरी डिमांड, या उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो या उसका प्राइस प्रीमियम हो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए अब नाइक है, ठीक है ना, क्या नाइक की डिमांड बहुत ज्यादा होती है? भाई सीरीज की बात है, स्पोर्ट पर्सन कितने होते हैं, कितने स्पोर्ट पर्सन होते हैं? अगर जो स्पोर्ट पर्सन वो ही केवल वो खरीदते हैं तो वो कितने होंगे, तो क्या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या फिर उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, उसको हम लोग भी खरीद सकते हैं। तो ब्रांड पर्सनालिटी विच इज स्ट्रॉन्ग एंड फेवरेबल विल स्ट्रेंथन ए ब्रांड, उसकी जो ब्रांड पर्सनालिटी है वो एक इमेज बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग इमेज फेवर करती है कि पर्टिकुलर अगर इस काम के लिए हमें चाहिए तब ये हमें चीज लेंगे, इस वजह से नहीं कि या उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जो ब्रांड पर्सनालिटी है वो इस वजह से नहीं होती है कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है या उसकी डिमांड ज्यादा है, वो इस वजह से होती है कि वो पर्टिकुलर जो चीज है वो उस पर्टिकुलर स्पेस से एसोसिएटेड है। अगर नाइक की चीज है तो स्पोर्ट्स या एथलीट से रिलेटेड है, तो वो मोस्टली अगर हम स्पोर्ट पर्सन या एथलीट है तो हम उस ब्रांड को प्रेफर करेंगे, ना कि इसलिए कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो दिस इज योर ब्रांड पर्सनैलिटी विच इज एसोसिएटेड विद योर कस्टमर। नाउ अब एक जो ब्रांड पर्सनालिटी हो सकती है वो किस तरह की हो सकती है, देखें, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी
सिंसियरिटी में क्या आ जाएगा, डाउन टू अर्थ लोग होते हैं उस तरह के लोग, ऑनेस्ट ईमानदार, होलसम संपूर्ण, चीयरफुल सुंदर, ये सिंसियरिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप इनमें से हैं, सिंसियरिटी वाले में से अगर ये क्वालिटीज हैं तो आपकी एक अलग ब्रांड पर्सनालिटी। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखें तो किसका होता है, जो आप एड देखते हैं, जो जो बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स होते हैं आप उसमें, जैसे आपने जो वो अक्षय कुमार वाला एक देखो ना, सिगरेट स्मोकिंग वाला एक वो देखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सिंसियरिटी दिखाई जाती है डाउन टू अर्थ। उसमें कुछ एक आदमी पी रहा होता है और उसमें दिखाते हैं कि वो किस तरह से उसको मना करता है कि आप इसका पैसा जो 10-15-20 रुपए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने बेनिफिट के इस्तेमाल के लिए, नुकसान के लिए नहीं। तो दिस इज सिंसियरिटी डाउन टू अर्थ, इसमें ये कुछ क्वालिटीज आ जाती हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन इज एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है, डेयरिंग, स्पिरिटेड, इमेजिनेटिव, अप टू डेट। अब जैसे आप जो ऋतिक रोशन का एक प्रचार देखते हैं वो कोल्ड ड्रिंक वाला, उसमें क्या होता है, डेयरिंग, वो कोल्ड ड्रिंक पिया और वो जाकर के पहाड़ से बाइक को कुदा दिया। तो दिस इज द एक्साइटमेंट, जब आप पीते हैं वो वाला कोल्ड ड्रिंक तो फिर आप भी कुछ सोचते हैं। तो दिस इज, ये इस तरह के एडवर्टीजमेंट क्यों डिजाइन किए जाते हैं। अब एक चीज बताइए, जो कोल्ड ड्रिंक है उसका पहाड़ कुदाने से बाइक से कोई भी क्या उसका रिलेशन है? आपने कोल्ड ड्रिंक पी करके क्या बाइक को पहाड़ से कुदा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्साइटमेंट, यहाँ पर जो फीलिंग, पर्सनालिटी जो फीलिंग है, दैट इज एक्साइटमेंट, कि आप अंदर से ऐसा सोचते हैं, डेयरिंग आती है, स्पिरिटेड, इमेजिनेटिव हो जाते हैं, अप टू डेट। तो ये इस तरह की कुछ पर्सनालिटी होती है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस में क्या होता है, रिलायबल, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल। यहाँ पर देखिए, अब जैसे कॉम्पिटेंस का है तो एक जो इंडियन क्रिकेटर है दैट इज विराट कोहली, एक वो कौन सा है जो एनर्जी ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है ना, जो इस तरह की फीलिंग होती है वो इंटेलिजेंट सक्सेसफुल, कि अगर आप ये पिएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। उसमें वो बच्चा वो एनर्जी ड्रिंक लेता है और विराट कोहली को बोल्ड करता है, दैट इज सक्सेस। वो कह रहा था कि मुझे केवल आपका ही वो विकेट चाहिए, तो उसने उसको वो पिया और उसने उसका विकेट लिया, नाउ ही गॉट सक्सेस, तो वो उस पर भरोसा करने लगेगा। लेवल कॉम्पिटेंस, सोफिस्टिकेटेड, अपर क्लास या चार्मिंग। कुछ लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, अरे हम ये नहीं करते, हमें वो नहीं करते, ऐसा वैसा, ये आप हम गरीब लोगों से नहीं मिलते, हम इस तरह की चीज़ें, हम सस्ती चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ जाएंगे तो सूट पहन करके जाएंगे, एक अलग ही लुक होगा। तो दिस इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ये मोस्टली अपर क्लास में आपने देखा होगा। और जो अपर क्लास के लोग होते हैं तो जब दूसरे गाड़ी से उतरते हैं तो अपना अलग ही उनका एक रुतबा होता है, दैट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड। जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, जब कभी आप कोट पैंट या वो बन लेते हैं, पहन लेते हैं, और किसी पार्टी से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ना बनो, इस तरह से बोलते हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू योर अपर क्लास चार्मिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज रजनेस। रजनेस का मतलब होता है उबड़ खाबड़ या ऐसे ही रफली, ठीक है ना। तो आउटडोर से टफ, जो टफ बिंदास रहते हैं आजकल। अब जैसे ये रजनेस का मतलब है, ये उबड़ खाबड़ टफनेस का मतलब, जो आजकल के कपड़े जीन्स वाले आ रहे हैं, जो जीन्स वाले कपड़े आ रहे हैं वो किस तरह के, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, देखिए ये वाला लेवाइस 501 जीन्स आर डिपेंडेबल एंड रज का मतलब उबड़ खाबड़ जीन्स। तो आजकल क्या वो चल रहा है, वो कहीं यहाँ से फटी, कहीं वहाँ से फटी, और कहीं ये डिजाइन, कहीं वो डिजाइन, कहीं कटिंग फटिंग और उसमें धागे निकले हुए, टफ एंड। तो जो लड़के अपने आप को रफ एंड टफ समझते हैं, हाँ रजनेस मतलब रफ एंड टफ वाला, ठीक है ना। तो अगर कुछ इस तरह के पर्सनालिटी वाले होते हैं तो उनको बोला जाता है रजनेस ब्रांड पर्सनालिटी में। जैसे लिवाइस का आपने वो मैंने जींस का एग्जाम्पल दिया, दैट विल बिकम अंडर द रजनेस ब्रांड पर्सनालिटी, रफ एंड टफ टाइप के लोग होते हैं जो, ठीक है ना। सो दीज आर द ब्रांड पर्सनालिटीज, दीज आर द ब्रांड पर्सनालिटीज विच इज अफेक्टेड योर कंज्यूमर बिहेवियर, आपके कंज्यूमर बिहेवियर। जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं,
आपको कि हर तरह के लोग मिलेंगे जो उसी तरह से शॉपिंग करते हैं जैसी उनकी पर्सनालिटी होती है। दिस इज अ ब्रीफ ब्रांड पर्सनालिटी फ्रेमवर्क। नाउ प्रोडक्ट पर्सनालिटी इश्यू। अब यहां पर प्रोडक्ट पर्सनालिटी इश्यू क्या होता है? द फर्स्ट वन इज जेंडर एंड द सेकेंड वन इज ज्योग्राफी। जेंडर में क्या? ऑफन यूज फॉर ब्रांड पर्सनालिटी। अब यहां पर देखें जो लक्स साबुन है, जो लक्स साबुन है उसमें वो क्या दिखाते हैं? ये मान के चलिए फ्रेग्रेंस, ब्यूटी, और साबुन लगाने से अच्छी खुशबू आती है, और ये तो वो किसके लिए बनाया जाता है? उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप ये लगाएंगे तो सुंदर, और आपके ये फीमेल से रिलेटेड है, ये आपका फीमेल से रिलेटेड है। या कुछ ऐसे जैसे आपको लंबे बाल चाहिए, ज्यादा लंबे बाल कौन फीमेल रखती हैं, तो कुछ ऐसे शैम्पू जैसे क्लिनिक प्लस वगैरह हो गया, उसका इस्तेमाल देख लीजिए। या फिर कुछ और ऐसे प्रोडक्ट जो आपके फीमेल कस्टमर से रिलेटेड होते हैं, तो आप उनके एडवर्टीजमेंट देखिए, आप उनके एडवर्टीजमेंट देखिए, ठीक? तो वो क्या होंगे? आपके जेंडर बेस्ड होंगे, जेंडर बेस्ड। अब यही चीज जैसे मैंने वो डेरिंग वाला बताया, डेरिंग वाला दिखाया, तो उसमें आपको मेल का होगा, उसमें मेल का किया होगा। तो से सम प्रोडक्ट परसीव्ड एज मैस्कुलिन, दैट इज कॉफी एंड टूथपेस्ट, व्हाइल अदर्स एज फेमिनिन, बाथ सोप एंड शैम्पू। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जेंडर बेस्ड होते हैं, तो आप उनका एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो क्या होगा कि वो जब एडवर्टीजमेंट डिजाइन होता है तो जो मेल के लिए होता है तो मोस्टली वो मेल डिजाइन होते हैं, और जो फीमेल के लिए होता है तो मोस्टली फीमेल डिजाइन होता है। अब एक चीज इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अगर जो फेयर एंड या ग्लो एंड लवली है वो अजय देवगन उसका इस्तेमाल करके और उसका बताएं कि इससे हम गोरे हो जाएंगे और सुंदर देखेंगे, तब वो एडवर्टीजमेंट कैसा होगा? सिमिलरली यही अगर आपकी कोई हीरोइन है, फीमेल एक्टर है, वो जो विमल पान मसाला है उसका एडवर्टीजमेंट करे तो कैसा होगा? क्योंकि जो विमल पान मसाला है क्या वो फीमेल ज्यादा खाती हैं? नहीं खाती है। तो क्या उससे सेल बढ़ेगी? उससे सेल नहीं बढ़ेगी। इस वजह से जो ये प्रोडक्ट पर्सनालिटी इशू होता है, ये एक प्रोडक्ट पर्सनालिटी इशू है कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्सनालिटी को सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट किस पर्सनालिटी को सूट करेगा, ठीक है ना? नाउ द सेकंड वन इज जियोग्राफी, एक्चुअल लोकेशन, नेम्स यूज, कलर, कलर कॉम्बिनेशन इन पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स डिनोट पर्सनालिटी। अब मैं यहां पर जैसे कलर कॉम्बिनेशन और एक्चुअल लोकेशन जियोग्राफी का दिया, मैं एक एक कलर आपको डिफाइन करूंगा। और देखो मैं कुछ एक आइडिया लगाता हूं और जो कुछ किताबों में दिया हुआ है कि कौन सा कलर किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है। आपको क्या लगता है कि जो प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है वो ऐसा ही, चाहे जैसे लाल कलर, लाल नीला पीला, चाहे जो भी मिला के बना दीजिए, आपने देखा होगा कंपनी उसकी पैकेजिंग पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। कंपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर काफी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है ताकि जब उसकी पैकिंग होकर के निकल के आए तो देखने में वो काफी अच्छा लगे। अब देखिए किस कलर का क्या इस्तेमाल होता है, उसकी किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है, लेट अस सी। ब्लू, ब्लू किस तरह की पर्सनालिटी को होल्ड करता है? कमांड्स, रेस्पेक्ट, अथॉरिटी। ब्लू कलर जो है किस तरह की पर्सनालिटी को एसोसिएट करता है? कमांड्स, रेस्पेक्ट, अथॉरिटी, ठीक है ना? इसके एग्जांपल देखिए, अमेरिकास फेवरेट कलर, आईबीएम होल्ड्स द टाइटल टू ब्लू, एसोसिएटेड विद क्लब सोडा, मेन सीक प्रोडक्ट पैकेज इन ब्लू, हाउसेस पेंटेड ब्लू आर अवॉइडेड, लो कैलोरी, स्किम मिल्क, कॉफी इन ए ब्लू कैन परसीव एज माइल्ड। ये चीजें, ये यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और जो यहाँ पर सेकंड कॉलम है, कमांड, रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ इसके एस्पेक्ट दिए हुए हैं कि ब्लू कलर आपका किस पर्सनालिटी से एसोसिएटेड होगा। सिमिलरली ये आपका जो राइट मोस्ट है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, और जो पर्सनालिटी एसोसिएटेड है उसका कलर के साथ दिया हुआ है। जैसे येलो कलर किसका? कॉशन का, सावधानी का, नॉवेल्टी का, सम्मान का, टेम्प्रेरी। एंड वार्म,
इसका एसोसिएशन है येलो कलर से। तो जब कभी अगर इनसे रिलेटेड पर्सनालिटी से आपको एडवर्टीजमेंट करना या पैकेजिंग करनी होगी तो मोस्टली आप येलो कलर पर ध्यान देखिए। जैसे ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन पौधे का ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, कैनाडा ड्राई जिंजर एल्स इंक्रीज व्हेन इट चेंज शुगर फ्री पैकेज फ्रॉम रेड टू ग्रीन एंड व्हाइट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैनाडा ड्राई जिंजर एल सेल्स बढ़ गई, पहले उसकी पैकेजिंग थी रेड, फिर बाद में उन्हें ग्रीन एंड व्हाइट कर दी तो उसकी सेल बढ़ गई। ठीक है ना, गुड वर्क एनवायरमेंट। तो ये हमारे पास ग्रीन का हो गया। आगे देखते हैं रेड का, ह्यूमन एक्साइटिंग और पैशनेट स्ट्रांग। अब हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर कभी भी आप चिली का एडवर्टीजमेंट देखें, चिली का एडवर्टीजमेंट देखें, तो उसमें हमेशा लाल मिर्ची ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो हॉट होती है। ठीक है ना, आप खाते हैं तो उसमें तीखे का ज्यादा होता है, तो वो रेड होती है। अब यही आप एक अंदाजा लगाइए कि अगर जो मिर्च है उसका नीला हरा इस तरह का एडवर्टाइजिंग बना दिया जाए या उसकी पैकेजिंग इस तरह से दिखाई जाए, तो फिर लोग कम अट्रैक्ट होते हैं। वो सोचेंगे नीली मिर्ची कौन सी है, मिर्ची कभी नीली होती क्या? उसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। तो आदमी को, जो पर्सन ह्यूमन कंज्यूमर्स होते हैं, वो कलर्स कैसे उनकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है ना, सो रेड आपका किससे एसोसिएटेड है? ह्यूमन, पैशनेट, स्ट्रॉन्ग या हॉट से। ऑरेंज किससे रिलेटेड है? पावरफुल, अफोर्डेबल, इनफॉर्मल। ये जो इस तरह की पर्सनालिटी वाले होते हैं, पावरफुल, अफोर्डेबल और इनफॉर्मल, तो वो पर्सनालिटी रिलेटेड है ऑरेंज से। ब्राउन किससे रिलेटेड है? इनफॉर्मल एंड रिलैक्स्ड मैस्कुलिन। जो ब्राउन कलर है वो मोस्टली मैस्कुलिन जेंडर से रिलेटेड होता है। व्हाइट कलर किससे? गुडनेस, अच्छाई से, प्योरिटी, शुद्धता से, कैस्टी, क्लीननेस एंड दिस, तीसरा पता नहीं जो भी दिया हुआ है। ब्लैक किससे है? सोफिस्टिकेशन से, पावर से, अथॉरिटी से। सिल्वर गोल्ड किससे है? रीगल से, वेल्थी से और स्टेटली से। तो ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से एसोसिएटेड हैं। ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से एसोसिएटेड हैं। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि आपकी पर्सनालिटी कैसे आपके कंज्यूमर बिहेवियर, जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, कैसे उसको इम्पैक्ट करती है। ये केवल थ्योरेटिकल बात नहीं है। आप जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, आप इसको खुद भी, आप कभी अगर इमेजिन करें कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। मैंने इसमें पर्सनालिटीज थ्योरी, पर्सनालिटी के ट्रेट्स, पर्सनालिटी से एसोसिएटेड कलर्स, पर्सनालिटी से एसोसिएटेड कंजम्पशन बिहेवियर, सारी कुछ चीजें आपको बताई हैं। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि क्या आप कहीं फिट होते हैं। अगर आप कहीं फिट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर फिट होती हैं। इसी वजह से इन सब फैक्टर्स का एनालिसिस करके ये चीजें बनाई गई हैं और कंपनी इसका बेनिफिट लेती है। जैसे आजकल क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वहां पर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जो आपका कंज्यूमर सर्वे या कंज्यूमर रिसर्च होता है, उसमें क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कभी कभी वो लोग पूछते हैं आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपकी फेवरेट जगह क्या है, आपका फेवरेट बर्ड क्या है, आपका फेवरेट एनिमल्स क्या है। ये वो लोग क्यों पूछते हैं? वो ऐसे ही नहीं पूछते। जो आप इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो उस पर रिसर्च करके ही वो प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है वो ऐसे नहीं होती, वो पहले पूरा कंज्यूमर रिसर्च करते हैं और बस कंज्यूमर सर्वे करते हैं। मैंने जब जब शुरू किया था कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस में, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें कैसे रिसर्च करके वो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। और जब कंज्यूमर की वो रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या क्या रिसर्च करते हैं, अभी तो ये मैंने हमने केवल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा है। अभी ये केवल पर्सनालिटी है, इसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन है, लर्निंग है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंपनी एनालाइज करती है आपको सामान बेचने के लिए। हम लोग जाते हैं केवल सामान परचेज कर लेते हैं, केवल इतना ही सिंपल नहीं है। उस सामान को, जो सामान आप परचेज करते हैं, उसके लिए कंपनी कितना एक्सपेंड करती है, कितना खर्च करती है, ये उसकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी। ये हमारे पास पर्सनालिटी से रिलेटेड सारी चीजें लगभग लगभग मैंने बता दी। पर्सनालिटी से रिलेटेड आपके फ्रेडियन थ्योरी, नियो फ्रेडियन थ्योरी,
और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट, पर्सनालिटी करेक्टर, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब जो आपका अगला वो उसका इंडिविजुअल, हाँ ये चीज क्या थी, हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया है? कंज्यूमर बिहेवियर, एक तो पहली बात हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अगर किसी को कोई आइडिया हो तो चैट बॉक्स में लिखे जरा कि हम कंज्यूमर बिहेवियर का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं है? हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द टॉपिक इज इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कि जो आपकी इंडिविजुअल डिटरमिनेंट, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। बताइए ऐसी कंडीशन है कि आप लोगों को ये तक पता नहीं है कि आप क्या सिलेबस में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिए, मैं सिलेबस देख, चलिए सिलेबस बाद में दिखा देंगे। तो नाउ यू हैव नो ऑल अबाउट द पर्सनालिटी, अब यहां पर आप इसका रिसर्च भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, अब जो आता है एक वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एंड सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये देखिए क्या होता है। कंज्यूमर्स हैव ए वैरायटी ऑफ एंडियरिंग इमेजेस ऑफ देमसेल्व्स, दीज इमेजेस आर एसोसिएटेड विद पर्सनालिटी इन दैट इंडिविजुअल कंजम्पशन रिलेट्स टू सेल्फ इमेज। कंज्यूमर्स हैव ए वैरायटी ऑफ एंडियरिंग इमेज ऑफ देमसेल्व, वो खुद की अपनी बहुत ही एंडियरिंग इमेजेस, वैरायटी ऑफ एंडियरिंग इमेजेस होती हैं। कंज्यूमर्स हैव ए वैरायटी ऑफ एंडियरिंग इमेज, मतलब कि उसकी कई तरह की वो होती हैं इमेजेस। कैसे? जैसे घर में जाएंगे आप एक अलग तरह के पर्सन होते हैं, ऑफिस में जाएंगे आप एक अलग तरह के पर्सन होते हैं, इसके बाद फ्रेंड के साथ होंगे आपका अलग तरह का होगा, और रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप एक अलग तरह के होंगे, ठीक है ना? तो आपकी ये अलग अलग तरह की कई इमेजेस होती हैं। कंज्यूमर्स हैव अ वैरायटी ऑफ एंडियरिंग इमेजेस ऑफ देमसेल्फ, उसकी खुद की कई तरह की इमेजेस होती हैं। नाउ दीज इमेजेस आर एसोसिएटेड विद पर्सनालिटी इन दैट इंडिविजुअल कंजम्पशन रिलेट्स टू सेल्फ इमेज। देखिए जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो जो आप वहां कंजम्पशन या परचेजिंग करते हैं वो अलग तरह की होती है, जब फैमिली के साथ होते हैं तब वहां पर अलग तरह की शॉपिंग कंजम्पशन होती है, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं या कहीं ऑफिस में होते हैं तब आपकी अलग तरह की कंजम्पशन और उसकी परचेजिंग होती है। अगर आप कभी ऐसा करते हैं तो ये सब अलग अलग है। क्या आप हर वही चीज फैमिली के साथ करते हैं जो फ्रेंड के साथ करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वहां इमेज अलग है और फ्रेंड के साथ एक अलग है, ये आपकी पर्सनालिटी है, दिस इज योर पर्सनालिटी एंड ऑल्सो रिलेट टू योर सेल्फ इमेज, आपकी खुद की इमेज से रिलेटेड है, ये आपकी खुद की इमेज से रिलेटेड है। नाउ इश्यूज रिलेटेड टू सेल्फ एंड सेल्फ इमेज, अब सेल्फ इमेज या सेल्फ से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? वन और मल्टीपल सेल्फ, पहला ए सिंगल कंज्यूमर विल एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन और विद डिफरेंट पीपल, एक जो सिंगल कस्टमर होता है, जो सिंगल कंज्यूमर है वो अलग लोगों के साथ अलग तरह का अलग सिचुएशन में अलग व्यवहार करता है, मतलब कि ये मान के चलिए कि अभी अगर वो फैमिली के साथ है तो अलग तरीके से होगा, फ्रेंड के साथ होगा तो अलग तरीके से होगा, ठीक, अभी किसी एक शहर में है किसी दूसरे तरीके से बिहेव करेगा, अलग सिटी में जाएगा किसी दूसरे तरीके से बिहेव करेगा। तो ए सिंगल कंज्यूमर विल एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस और विद डिफरेंट पीपल, ऐसा होता है कि कोई भी कंज्यूमर जो है हर एक अलग अलग सिचुएशन में एक जैसा बिहेवियर नहीं करता है, ठीक। नाउ वी हैव ए वैरायटी ऑफ सोशल रोल्स, मैंने जो चीज अभी बताई है कि हम हर जगह अलग अलग होते हैं, वी हैव ए वैरायटी ऑफ सोशल रोल्स, हमारे पास अनेक सामाजिक रोल होते हैं, हमारे पास अनेक ऐसे सामाजिक रोल होते हैं जिसको हमें प्ले करना होता है, जैसे मैंने घर वाला रोल बताया, ऑफिस वाला रोल बताया, फ्रेंड्स वाला रोल बताया, पार्टी में जाएंगे तब वहां अलग रोल होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं। नाउ
मार्केटर्स कैन टारगेट प्रोडक्ट्स टू ए पर्टिकुलर सेल। अब यहां पर मार्केटर्स मतलब कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, आपको टारगेट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पर आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट कहां पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पार्टी में किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, वहां पर आपके ड्रेसिंग डिजाइन क्या है, घर में आप किस तरह के हैं। अगर ये आप इसका एग्जाम्पल देखिए, देखें जब पार्टी में जाते हैं तो बहुत भड़कीले शाइनिंग वाले कपड़े पहन के जाते हैं, घर में रहते हैं तो आप सिंपल सा लोअर टी शर्ट बनियान या कुछ भी डाल देते हैं, नाइट सूट के लिए आपका अलग कोई लाइट क्लॉथ सब पहनते हैं, लाइट ड्रेस पहनते हैं आप। ठीक इसी तरह से जब ऑफिस जाते हैं तो आप क्या होता है फॉर्मल पहनते हैं। तो पर्सन एक ही है, उसकी इमेजेस अलग अलग पर्सनालिटी और उसका जो प्रोडक्ट कंजम्पशन है हर जगह अलग अलग होता है, उसका हर जगह अलग अलग होता है। तो जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, हर जगह के लिए अलग अलग प्रोडक्ट वो टारगेट करता है, हर जगह के लिए अलग अलग प्रोडक्ट वो टारगेट करता है, वो आपके जो सेल्फ इमेज या सेल्फ पर्सनालिटी होती है उसके बेस पर। नाउ मेकअप ऑफ द सेल्फ इमेज, जो मेकअप ऑफ द सेल्फ इमेज, इसमें क्या होता है, कंटेंट्स, ट्रेट्स, स्किल्स, हैबिट, पैशंस, रिलेशनशिप एंड वे ऑफ बिहेवियर। आपकी जो सेल्फ इमेज होती है वो कैसे बनती है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी क्वालिटीज या लक्षण, स्किल्स आप में क्या क्या स्किल्स हैं उसके बेस पर आपकी इमेज बनती है, पैशंस आपके पैशंस क्या हैं इसके बेस पर आप, पोजेशंस क्या हैं आपके, पोजेशंस क्या हैं आपकी, पोजीशन क्या है उस पर, जैसे आपने देखा होगा कि जो हायर पोजीशन पर होती है उसकी एक अलग इमेज होती है और वहीं एक जो लेवर क्लास का है या मिडिल क्लास का है या लोअर क्लास का है उसकी एक इमेज अलग होती है। रिलेशनशिप एंड वे ऑफ बिहेवियर, आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है और बिहेवियर कैसा है आपके साथ लोगों के साथ, ये भी आपका मेकअप ऑफ सेल्फ इमेज है, ये भी आपकी इमेज को बनाता है। जैसे आपके साथ बहुत से स्टूडेंट ऐसे, आपके फ्रेंड्स ऐसे हों जिनका सबके साथ अलग अलग बिहेवियर अलग अलग होता है, तो उनकी जो इमेज होती है सबकी नजर में अलग अलग होती है। आपके सभी फ्रेंड एक जैसे नहीं होते हैं, कोई आपका फ्रेंड है कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा क्यों होता है, उसमें सीधी सी बात है उसमें कोई करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी होगी, कोई स्किल होगी, कोई आपका रिलेशनशिप उसके साथ ऐसा होगा, उसका बिहेवियर होगा, उसकी पोजिशन होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका उसके साथ एक अलग ही तरह का रिलेशन होता है। ठीक, डेवलप थ्रू बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। अब जो ये सेल्फ इमेज होती है आप उसको कैसे डेवलप करते हैं, आप उसको अपने जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उससे, हमेशा एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की या आपने जो काम किया उसका एक्सपीरियंस, उसका मतलब होता है आप उसको अपनी पर्सनालिटी में कैसे, अपने बिहेवियर में कैसे चेंज लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि जब अभी आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर इसके बाद दूसरी कंपनी में जब काम करने जाते हैं तो आपने वहां पर जो भी सीखा था अब उसका इस्तेमाल वहां पर करेंगे, ऐसा नहीं कि यहां पर फिर शुरू से सीखना चालू कर देंगे। तो ये आपकी क्या है, पर्सनालिटी, दिस इज पर्सनालिटी। आपने अपना जो बैकग्राउंड था, आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस था, आपने उससे एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस का मतलब आपने सीखा उससे कुछ और फिर उसको आप अपने पर्सनालिटी पर अप्लाई करते हैं, और जैसा हो जैसे भी हो फिर आप वहां पर दूसरों के साथ उसका कैसा बिहेवियर कैसा इंटरेक्शन रखते हैं, इन सबसे आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। फिर कंज्यूमर सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंट, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी डिपेंड करता है। ठीक वो अपने अनुकूल, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने अनुकूल ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे जब उनकी सेल्फ इमेज जैसी बन जाती है तो अपने अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, कैसे, वो उन्होंने अपनी सेल्फ की जो इमेज बनाई जो उसकी सेल्फ पर्सनालिटी है उसके बेस पर वो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं। नाउ डिफरेंट सेल्फ इमेज, क्या क्या सेल्फ इमेज हो सकती है, देखिए एक्चुअल सेल्फ इमेज जो असलियत होती है, आइडियल सेल्फ इमेज जो एक आदर्श सेल्फ इमेज होती है,
आइडियल सोशल सेल्फ इमेज, सामाजिक और आदर्श। ठीक, सोशल सेल्फ इमेज सामाजिक होती है, एक्सपेक्टेड या लोग जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये इस तरह की आपकी इमेज सोसाइटी में हो सकती है। एक्चुअल का मतलब कि जो आपकी असलियत है, पहली बात। दूसरा आइडियल सेल्फ इमेज, जो आदर्श मानी जाती है, आप सबसे अच्छे से बात करें, ईमानदारी से रहें, हमेशा सच बोलें, बड़ों का आदर करें, इस तरह की बात होती है। आइडियल सोशल सेल्फ, आइडियल सोशल का मतलब होता है आप लोगों की मदद करें, आप भलाई का करें, हमेशा दूसरों की मदद करने के साथ साथ उनका सम्मान करें। अगर कभी आपको किसी भी सिचुएशन में कोई पुकारता है तो आप वहाँ पर जाएं, लोग आपको अच्छा कहें, लोग आप लोगों की लीड करें, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो उसको सॉल्व करें। यहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसमें उनको पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो ये आपकी आइडियल सोशल सेल्फ इमेज है। ठीक है, सामाजिक सेल्फ इमेज मतलब कि आप सोसाइटी में कैसे रहते हैं, आपके फैमिली है तो फैमिली के प्रति कैसे रहते हैं, अपने पड़ोस में हैं मोहल्ले वालों के प्रति कैसे रहते हैं, ये आपकी सोशल इमेज है। एक्सपेक्टेड सेल्फ इमेज मतलब कि जो आप अनुमान लगाते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, कैसा, सब लोग अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ही होना चाहिए, या आप अगर आप लोगों से कोई चाहता है कि आपको बुरा होना चाहिए, तो वो भी आपकी एक्सपेक्टेड सेल्फ इमेज है। ठीक, सो दिस इज योर सेल्फ इमेज, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ इमेज। ठीक, अब जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे ये 5 तरह की मैंने सेल्फ इमेज बताई हैं, तो आप इसमें से आइडिया लगा लीजिए कि आप इसमें से किस में हैं, ये आपकी पर्सनालिटी है। नाउ इश्यूज रिलेटेड टू सेल्फ एंड सेल्फ इमेज, एक्सटेंडेड सेल्फ इमेज। अब एक्सटेंडेड सेल्फ इमेज क्या होती है, पोजिशंस कैन एक्सटेंडेड सेल्फ इन ए नंबर ऑफ वेज, जो आपकी पोजिशंस होती है वो कई तरह से एक्सटेंड की जाती है। कैसे, एक्चुअली जो वास्तविकता है वो सिम्बोलिकली, कन्फरिंग स्टेटस और रैंक, बेस्टोविंग फीलिंग्स ऑफ इमोर्टलिटी, इंडोविंग विद मैजिकल पावर्स। ये मतलब कि जो यहाँ पर है पोजिशन, आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन, किस पोजिशन पर है और कौन सी क्वालिटी है, इसके हिसाब से आप अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। वास्तविकता में क्या है, सिम्बोलिकली आप लोग किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट स्टेटस, आपकी पोजीशन क्या है, कलेक्टर है, डीएम है, इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक्सटेंड करेंगी। ठीक, तो दिस इज द सेल्फ इमेज एक्सटेंडेड। नाउ द लास्ट वन इज अल्टरिंग द सेल्फ इमेज, अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको चेंज करना। कंज्यूमर्स यूज सेल्फ अल्टरिंग प्रोडक्ट्स टू एक्सप्रेस इंडिविजुअलिज्म बाय, इसमें क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से कैसे चेंज करते हैं अपनी सेल्फ इमेज को, अल्टरिंग मीन अल्टर जो थोड़ा सा मॉडिफाई करना। कंज्यूमर्स यूज सेल्फ अल्टरिंग प्रोडक्ट्स टू एक्सप्रेस, अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, इंडिविजुअल बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्फ, अपने आप को एक नया बनाने की कोशिश करते हैं। मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग सेल्फ, या जो है उसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंडिंग द सेल्फ, या जो है जो जितने मैंने अभी पीछे बताएं उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, या कंफर्म करने की कोशिश करते हैं बाय कंफर्मिंग। सो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू योर सेल्फ इमेज। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ इमेज। नाउ आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे। अब यहां तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। इफ समवन हैज एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क नाउ। या वन थिंग मोर, सभी लोग अपना चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, अटेंडेंस के लिए राइट डाउन योर नेम प्लीज। जितने भी लोगों ने नाम लिख दिया उनको छोड़ करके जो भी बचे हैं वो अपना नाम चैट सेक्शन में लिख दीजिए, जिससे अटेंडेंस हो जाएगी उनकी, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहती है ना, तो रिकॉर्डिंग में सारा सब कुछ अवेलेबल रहता है। यस नमन सर, आपको असाइनमेंट्स भेजे थे तो वो चेक हो गए हैं? चेक कर पाए हैं हमने, जिनका चेक हो गया वो मैं सेंड कर दिया और बाकी का भी मैं चेक कर रहा हूँ। मैं बचे तो 20-22 थे।
सी यहाँ पर किसने नाम नहीं लिखा, अभिषेक, मुझे लगता है आपने नाम भी लिख, बेटा अभिषेक गुप्ता प्लीज नाम लिख दीजिए। नारायण तिवारी ने भी शायद नाम नहीं लिखा है, अब भी लिख दीजिए प्लीज। जिन लोगों ने अपने नाम नहीं लिखा प्लीज डेट सेक्शन में नाम लिख दीजिए। तो ये आज की सीबी की क्लास यहीं तक, 5 मिनट बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे ओआर की क्लास में। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास आफ्टर 5 मिनट्स। थैंक यू।